अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की यलगार के बावजूद किताब ने अपनी अहमियत और इफादियत को बरकरार रखा हुआ है। दुनिया भर में कोई भी तालीमी इदारा हो, खादीनी हो या दुनियावी, मदरसा हो या मकतब, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, किसी ने भी अपने निसाब से किताब को खारिज नहीं किया। इस ज़िमन में देखा जाए तो उलमाए हक इस काम के अमीन और वारिस हैं। इन्हीं उलमाए हक में एक नाम मुतकल्लम इस्लाम वकील आनाफ मौलाना मोहम्मद इलियास गुम्मन हाफिज़हुल्ला का है। हजरत के तकरीरी अंदाज से तो आप वाकिफ होंगे, तहरीरी उसलूब से शायद वाकिफ ना हों। हज़रतुल उस्ताद के तसनीफ़ी मनहज और तर्ज तहरीर का खाका पेश करने के लिए चंद किताबों का तारुफ पेश करने लगा हूँ। कायद अहलुसुन्नत वल जमा। हर मजहब में अकायद की हैसियत मरकजी रही है, इसी पर तमाम अदियान के अफराद अपनी कामयाबी समझते हैं। इस्लाम ने भी अकायद की दुरुस्तगी पर बहुत जोर दिया है। मुतकल्लम इस्लाम मौलाना मोहम्मद इलियास गुम्मन हाफिज़हुल्ला की अव्वलीन कोशिश यही रही है कि उम्मत मुस्लिमा को सही अकायद से रूशनास कराया जाए। ये एक पॉकेट साइज किताबचा है। इख्तिसार और इफादियत दोनों को इसमें जमा कर दिया गया है। नमाज अहलुसुन्नति वल जमा। इबादात में सबसे ज्यादा अहम इबादत नमाज है। इस किताब में अहलुसुन्नत वल जमात के मौक़िफ़ के मुताबिक अहादीस व आसार की रोशनी में तरीक़ा नमाज को पेश किया गया है। किताब की इफादियत के पेश नज़र इसका दीगर ज़बानों में भी मसलन फारसी, इंग्लिश, पश्तो वगैरह में तर्जुमा हो चुका है और ये किताब पाकिस्तान से शाया हो रही है। हजरत मुतकल्लम इस्लाम दामत बरकातुहुम की ख्वाहिश ये है कि ये किताब हर घर, हर मस्जिद, हर दफ्तर और हर लाइब्रेरी में जरूर होनी चाहिए। मजाले से मुतकल्लम इस्लाम। कुरान और सुन्नत में तज़किए कुलूब की काफ़ी अहमियत बयान की गई है और इसी का नाम तसव्वुफ़ है। अपने दिल को कुफ्र शिर्क, बिदात और रसूमात, तकब्बुर, गुस्सा, हसद, कीना, बुग्ज और हुब्बे दुनिया से खाली करके ईमान और इस्लाम, सुन्नत और आजजी, मोहब्बत और मुवद्दत, इताअत और फरमाबरदारी से मुजय्यन करने के लिए शेख तरीकत मुतकल्लम इस्लाम मौलाना मोहम्मद इलियास गुम्मन हाफिज़हुल्ला के इस्लाही और खानकाही बयानात पर मुश्तमिल बहुत उम्दा काविश है। बिलखुसूस हजरत शेख हाफिज़हुल्ला के मुअतकिदीन, मुतअल्लिकीन और मुरीदीन इसका मुताला ज़रूर फरमाएं। जी हाँ, फ़िक़्ह हनफी कुरान और हदीस का निचोड़ है। ये एक हकीकत है कि फ़िक़्ह हनफी कुरान और हदीस का निचोड़ है। हजरत उस्ताद मोहतरम मौलाना मोहम्मद इलियास गुम्मन हाफिज़हुल्ला ने हनफियत की वकालत का हक अदा करते हुए जी हाँ, फ़िक़्ह हनफी कुरान और हदीस का निचोड़ है किताब लिखकर फ़िक़्ह हनफी पर किए गए एतराज़ात का तहकीकी और इल्ज़ामी जवाब दिया है। जो लोग तअस्सुब से बालातर होकर हकायक समझना चाहें, इनके लिए ये एक बेहतरीन किताब है। फ़ज़ाइल आमाल पर एतराज़ात का इल्मी जायज़ा। दुनिया भर में पढ़ी जाने वाली किताब फ़ज़ाइल आमाल, जिसे हज़रत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया कांदलवी नव्वरल्लाहु मरकदहू ने अकाबिर के हुक्म पर तहरीर फरमाया, इस किताब की इफादियत और अहमियत का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि हज़ारों लोग इसे पढ़कर अपनी दुनिया व आखरत संवार चुके हैं और संवार रहे हैं। इस किताब पर चंद गुमराह लोगों के इतराज़ात थे, जिनका जवाब हज़रतुल उस्ताद हाफिज़हुल्ला ने कुव्वत दलील से दिया है। उसूल मुनाज़रा। मुनाज़रा अहले इल्म का फ़न है। दौरे हाजिर में इहकाक हक और इब्ताल बातिल के अहम फरीज़े की ज़िम्मेदारी वारिसीन नबूवत उलमा के कंधों पर है, इसलिए उलमा को इस फ़न में महारत पैदा करने की ज़रूरत है ताकि अवामुन्नास को गुमराह और बेदीन लोगों के फैलाए गए शुबहात से बचाया जा सके।
اصول مناظرہ بنیادی اور اساسی حیثیت کا حامل ہے۔ صراط مستقیم کورس اسلام کی بنیادی باتوں کو سیکھنا فرض عین ہے۔ موجودہ دور میں اسلام کی ان بنیادی تعلیمات کو سیکھنا آسان کر دیا گیا ہے، چنانچہ حضرت الاستاد حافظہ اللہ نے صراط مستقیم کورس کے نام پر ایک نصاب ترتیب دیا، مرد حضرات کے لیے الگ اور خواتین کے لیے الگ۔ ملک پاکستان میں سینکڑوں مقامات پر ہزاروں افراد اس سے مستفید ہو رہے ہیں، اور بیرون ملک میں بھی خواتین اور مردوں میں بے حد مقبول ہے۔ اپنے علاقے میں موسم گرما کی چھٹیوں میں اس کورس کا انعقاد کرائیں۔ مرکز اہل سنت والجماعت کی طرف سے اس کورس کا آن لائن انعقاد بھی ہوتا ہے، اور اس کے اختتام پر سند بھی جاری کی جاتی ہے۔ خطبات متکلم اسلام، ایک خطیب پوری قوم کا معلم اور استاد ہوتا ہے۔ خطابت پیشہ نہیں بلکہ ایک عظیم منصب ہے۔ اس عظیم منصب کی کما حق ہو خدمت کرنا علماء کرام کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اس سلسلے میں بہت سی خطبات کی کتابیں موجود ہیں، بہت کم ان میں ایسی ہیں جن میں لفاظیت کے ساتھ معنویت بھی ہو، دعویٰ کے ساتھ دلائل کے انبار بھی ہوں۔ طلباء، خطباء، ائمہ مساجد کے لیے شیخ طریقت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گمن حافظہ اللہ کے علمی و تحقیقی خطبات کو کتابی شکل دے دی گئی ہے۔ اپنے عقائد و نظریات اور مسائل کو دلائل سے بیان کرنے کی گر سیکھیں اور خطابت کے جوہر پیدا کریں۔ خطبات متکلم اسلام کے مطالعہ کے بعد قاری اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ متکلم اسلام نے اہل علم میں رسمی خطابت کے بجائے علمی خطابت کا ماحول پیدا کر دیا ہے۔ مواعظ متکلم اسلام، عورت ہمارے معاشرے کی گاڑی کا دوسرا پہیہ ہے، جس کے بغیر یہ معاشرہ نہیں چل سکتا۔ دین دشمن لوگوں کی محنت سے گھر گھر میں بے حیائی کے آلات موجود ہیں، اللہ پاک ہماری ان سے حفاظت فرمائے۔ ان آلات سے ہمارے گھروں میں بے سکونی اور بے چینی کی جو فضا بنی ہوئی ہے، اس کو اسلامی ڈھانچے میں بدلنے کے لیے خواتین کے لیے اسلامی لٹریچر کی ضرورت اشد تھی۔ مرکز اصلاح النساء 87 جنوبی سرگودہ اور دیگر مختلف مقامات میں حضرت الاستاد کے خواتین میں ہونے والے بیانات کو کتابی شکل دے دی گئی ہے، تاکہ خواتین بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔